हेलो एवरीवन दिस इज सुजीत कुमार झा और इस लेक्चर वीडियो में हम लोग इडोडो का क्वेश्चन नंबर 156 देख लेते हैं देखिए मैकेनिक्स के इस क्वेश्चन में ऑथर क्या कहना चाहते हैं टू मैन ईच ऑफ मास स्मॉल एम स्टैंड ऑन द एज ऑफ स्टेशनरी बॉगी ऑफ मास कैपिटल एम एजूमिंग द फ्रिक्शन टू बी नेग्लीजिबल फाइंड द वेलॉसिटी ऑफ द बॉगी आफ्टर बोथ मैन जंप ऑफ विद द सेम हॉर्जेंटल स्पीड यू रिलेटिव टू द बॉगी मतलब वेलॉसिटी जो आदमी का दिया हुआ है वो विथ रिस्पेक्ट टू बॉगी दिया हुआ है फर्स्ट में कि यदि साइमल्टेनियसली एक साथ कूद जाए तो क्या होगा और सेकेंड में दिया हुआ वन आफ्टर द अदर मतलब एक के बाद दूसरा यदि जंप करे तो क्या होगा इन वॉट केस विल द वोसिटी ऑफ द बॉगी बी ग्रेटर दैन हाउ मैनी टाइम्स एंड हाउ मैनी टाइम्स देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए सबसे पहली बात कि दो आदमी एक मान लेते हैं कि इस बॉगी पे खड़ा है इसको प्लैंक की तरह ही समझें ठीक है और दो आदमी खड़ा है और ये दोनों एक साथ जंप कर जाते हैं, ठीक है ये दोनों एक साथ जंप कर जाते हैं, मतलब मान लेते हैं कि एक साथ जंप करता है तो ये एक ही आदमी है जिसका मास कितने के बराबर 2m है।, है और जो कि u स्पीड से जंप कर रहे हैं लेकिन ये जो u स्पीड है वो प्लान के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है तो क्वेश्चन को समझिए कि इनिशियल मोमेंटम क्या था सिस्टम का जीरो इस पूरे सिस्टम इसको पूरा एक सिस्टम मान के चलें ये दो आदमी और एक बॉगी को और आदमी एक साथ जंप कर रहा है इसका फर्स्ट पार्ट मैं पहले आपको बता देता हूँ ठीक है और फाइनल मोमेंटम जो होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा टू एम आदमी का मास इनटू वेलोसिटी ऑफ मैन ठीक है प्लस हो जाएगा कैप्टल एम का मास इंटू वेलासटी ऑफ बॉगी कुछ ऐसा हो जाएगा अब इस पॉइंट को समझिए अब वेलोसिटी ऑफ मैन जो है ये कितने के बराबर दिया हुआ है यू के बराबर ठीक है लेकिन वो बॉगी के रिस्पेक्ट में मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बॉगी डैट इज इक्वल्स टू यू वैक्टर इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉगी डैट इज इक्वल्स टू यू वैक्टर तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ मैन कितने के बराबर आ गया यू वैक्टर प्लस भी बी पुट कर देते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं और इनिशियल लीनियर मोमेंटम और फाइनल लीनियर मोमेंटम की ये क्या होगा बराबर होगा बिकॉज ये दोनों ये आदमी और इस प्लैंक को हम लोग एक सिस्टम कंसिडर करके चल रहे हैं ठीक है तो इसका जो वैल्यू आएगा टू एम इंटू वेलासिटी ऑफ मैन एंड वेलासिटी ऑफ मैन इज रिटर्न एज यू वैक्टर प्लस वी वी वैक्टर प्लस कैपिटल एम इंटू वी वी वैक्टर एंड डैट इज इक्वल्स टू जीरो और यहाँ से आप वेलोसिटी ऑफ बॉगी बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं देखिए वेलोसिटी ऑफ बॉगी कितने के बराबर आ जाएगा यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा टू एम यू और यहाँ पे आ जाएगा टू एम प्लस कैपिटल एम ठीक है तो ये आ गया टू एम यू वैक्टर प्लस वी वी वैक्टर कॉमन आ गया यहाँ पे और टू एम प्लस कैपिटल एम के बराबर आ गया एंड डैट इज इक्वल्स टू जीरो तो यहां से आप वेलोसिटी ऑफ बॉगी कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉगी का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा देखिएगा माइनस टू एम यू वैक्टर बाई टू एम प्लस कैपिटल एम दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉगी वेलोसिटी ऑफ प्लैंक तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इसके सेकेंड पार्ट में चलते हैं ये आदमी यदि एक एक करके जंप करे तो क्या होगा उस पार्ट में चलते हैं और देखते हैं कि इस इस क्वेश्चन को अब कैसे सॉल्व किया जाए देखिएगा अब कुछ ऐसा है ये प्लैंक है और यहां पे दो आदमी खड़ा है ये सरफेस स्मूथ है ये सरफेस स्मूथ है ठीक है अब ये आदमी ये एम मास का आदमी यहां से जंप करता है ठीक है ये आदमी जब जंप करता है तो इसका जो वेलोसिटी दिया हुआ है इस आदमी का जो वेलोसिटी दिया हुआ है कितने के बराबर दिया हुआ है u और वो किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है प्लैंक के रिस्पेक्ट में मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बॉगी डेट इज इक्वल्स टू यू वेलॉसिटी ऑफ मैन माइनस वेलॉसिटी ऑफ बॉगी डेट इज इक्वल्स टू यू ठीक है तो वेलॉसिटी ऑफ बॉगी का वैल्यू वेलोसिटी ऑफ मैन कितने के बराबर आ जाएगा यू वैक्टर प्लस बी वी वैक्टर पहले एक आदमी जंप करते हैं ठीक है थीके? तो एक आदमी जब जंप करेगा तो ये आदमी और ये प्लैंक एक साथ रहेगा एक साथ मूव करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में तो देखिए यहाँ पे क्या होगा इस पूरे को एक सिस्टम मान के चलते हैं तो m इंटू भी एम वक्टर प्लस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी वी वैक्टर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू ये क्या हो गया फाइनल मोमेंटम हो गया ना जो कि इनिशियल मोमेंटम के बराबर बड़ होगा जो कि जीरो के बराबर बड़ होगा ठीक है क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम इनिशियली रेस्ट में था तो यहाँ से आपको एक आदमी के जंप करने पे वेलोसिटी ऑफ बॉगी मिल जाएगा ठीक है तो वेलोसिटी ऑफ बॉगी का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा देखिए ये आ जाएगा एम इंटू वी एम के जगह पे यू प्लस वी वी वैक्टर पुट कर दीजिए प्लस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी वी वैक्टर एंड ये कितने के बराबर होगा जीरो के बराबर बड़। ठीक है तो यहाँ से क्या हो जाएगा एम यू प्लस वी वेक्टर यहां तो यहां भी वी वैक्टर और यहाँ पे हो गया कैपिटल एम प्लस टू एम एंड टू जीरो तो यहाँ से वी वी वैक्टर का वैल्यू मिल गया ये कितने के बराबर आ गया माइनस एम यू बाई कैपिटल एम प्लस टू एम कुछ ऐसा आ गया वेलोसिटी ऑफ बॉगी का वैल्यू ठीक है ओके अब जब दूसरा आदमी जंप करेगा तो क्या होगा देखिएगा जब सेकेंड ये सेकेंड पर्सन जब जंप करता है तो क्या होता है उस समय इन्हीं अब मोमेंटम को ये लेकर के चलना होगा अब ये इस वेलोसिटी ये जो वेलोसिटी है ये प्रोवाइड करेगा इसका इनिशियल मोमेंटम तो सेकेंड केस जब सेकेंड दूसरा आदमी जब जंप करता है तो क्या होगा देखिएगा ठीक है तो फिर से इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ये आ गया ये है आपका एक तरीके से इनिशियल वेलोसिटी तो इनिशियल मोमेंटम आ गया टोटल मास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम आदमी प्लस बॉगी है फिर क्या हो गया इनटू माइनस एम यू वैक्टर बाई कैपिटल एम प्लस टू एम यह आ गया इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं तो जब दूसरा भी आदमी जंप कर जाएगा तो इस प्लैंक का मास एम इंटू वेलोसिटी ऑफ बॉगी इसको भी डैस कर देते हैं भी वी डैस ठीक है प्लस अब एम इंटू वेलोसिटी ऑफ मैन ऐसा कुछ आएगा ठीक है तो यहाँ पे आप पुट कर देते हैं यहाँ पे क्या बी एम के जगह पे क्या हो जाएगा यू प्लस भी बी डैस और ये फाइनल मोमेंटम जो कि इसके बराबर हो जाएगा पुट कर देते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं बहुत आसानी से आप यहाँ सेकेंड से आदमी के जंप करने के बाद बॉगी का वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं देखिएगा इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को इक्वेट करते हैं इनिशियल मोमेंटम कितने के बराबर है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम माइनस में एम यू वैक्टर बाई कैपिटल एम प्लस टू एम और ये कितने के बराबर है कैपिटल एम भी बी वैक्टर प्लस स्मॉल एम वी एम वैक्टर कुछ ऐसा आ जाएगा और वी एम के जगह पे ये पुट कर दीजिए तो एम वी वी डैश वैक्टर प्लस स्मॉल एम इन टू एम के जगह पे यू प्लस भी बी डैश वैक्टर ठीक है क्योंकि अब जब ये बॉगी मूव कर रहा था उसके रिस्पेक्ट में वो यू स्पीड से जंप किया है एंड डैट इज इक्वल्स टू माइनस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाई कैपिटल एम प्लस टू एम इंटू एम यू वैक्टर ऐसा कुछ आ जाएगा तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं वी वी डैस का वैल्यू तो देखिए ये कितने के बराबर आ जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी वी वैक्टर प्लस एम यू वैक्टर एंड डैट इज इक्वल्स टू माइनस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाई कैपिटल एम प्लस टू एम इंटू एम यू वैक्टर कुछ ऐसा आएगा यहाँ से वी वी डैश आपको मिल जाएगा तो ये कैपिटल एम प्लस एम वी बी डैश डैट इज इक्वल्स टू ये इसको इस तरफ लेके आ जाइए तो यहाँ से क्या आएगा माइनस एम यू वैक्टर कॉमन आ सकता है ठीक है और ये क्या बच जाएगा ये इधर आके कॉमन वन प्लस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाई कैपिटल एम प्लस टू एम ठीक है तो इसका फाइनल वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं और यही आंसर होगा तो वी बी डैस का वैल्यू दोनों आदमी एक एक करके जब जंप करेगा तो फाइनल वेलोसिटी जो बॉगी का आएगा जो यहां से कैलकुलेट हो जाएगा ये कितने के बराबर आएगा माइनस एम यू बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इनटू कितने के बराबर आएगा टू एम प्लस थ्री एम By capital M plus 2M, and this is the final answer. Thank you.